नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज हम आए हैं ब्लैकबेरी के इवेंट पे, जहां पे कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन्स को शोकेस किया है। एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन्स हैं, फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आते हैं और स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाता हूं मैं इवॉल्व एक्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये एक रेगुलर एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर आपको ये रबराइज टेक्सचर वाला पैनल मिलता है, जो कि आपको एक अच्छे ग्रिप देगा। आपके हाथ से फोन आसानी से फिसलेगा नहीं, इवन दो अगर आपके हाथ गीले भी हैं तब भी ये आपको एक अच्छी ग्रिप देने वाला है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि ऊपर कंपनी ने यहाँ पर मेटल बॉडी का स्ट्रक्चर दिया है और डुअल रियर कैमरा के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर मिलता है। और इधर ही आपको डुअल टोन LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। वहीं नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, स्पीकर ग्रिल मिलेगी, राइट साइड में दी है पावर बटन और वॉल्यूम ब्लॉकर की। साथ ही साथ ऊपर की तरफ आपको मिलेगा ये 3.5 mm ऑडियो जैक और इसके लेफ्ट साइड में दिया है सिम ट्रे। अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। यानी आपके फ़ोन के स्क्रीन की अच्छी खासी प्रोटेक्शन होने वाली है, गिरने पर भी इसके टूटने के थोड़े से आसार कम हो जाते हैं और एनीवे स्क्रैचेस से तो बचता ही है। वहीं बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट मिलेगा और मैं आपको इसकी रैम और स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 6 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी अगर आपको इसकी मेमोरी को एक्सपैंड करना है तो आपको अपने सेकेंड सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको 12+13 मेगापिक्सल का डुअल रियर सेंसर मिल जाता है, जिसमें एक सेंसर 2x ऑप्टिकल जूम है और आपको बेहतरीन टेलीफोटो वाली पिक्चर्स मिलने वाली है। आपको नेचुरल बोके इफेक्ट भी मिलेगा इस फोन में। वहीं फ्रंट में कंपनी ने दिया है 16 MP का शूटर, और जो कि कई सारे ब्यूटी मोड्स और बोके इफेक्ट सब आता है। तो अगर आप सेल्फीज़ का शौक़ रखते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकता है। पर आप बता दूं कि इस फोन की जो एक और सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसकी बैटरी। जी हाँ, इसमें आपको 4000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है और कंपनी ने बताया है कि ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। साथ साथ इसमें क्विक चार्ज 3.0 भी दिया है, तो आपको बैटरी की चार्जिंग के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्राइसिंग हमें थोड़ी ज़्यादा लगी क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट दिया है। इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनियाँ आपको स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट मुहैया करवा रही है। इसके साथ साथ ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है और इसमें नियर स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड, जिसको कंपनी ने खुद ट्विक किया हुआ है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो कंपनी ने इसे 34,990 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है, जो कि ये फ़ोन जो है सीधा सीधा इस प्राइस रेंज में OnePlus 6, Zenfone 5C और Huawei के Nova 3 को कम्पीट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस फोन का कंपैरिजन किसी दूसरे फ़ोन से दिखाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ अगर आप इसका रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।